व्यापारी की हत्या व औंग में हुई चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। 30 जनवरी 2023 की रात घर के अंदर व्यापारी की हत्या व औंग में हुई चोरी की खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पत्नी ने प्रेमी व जीजा के साथ मिलकर 7 लाख की डकैती कर हत्या की सुपारी ली थी। 4 अभियुक्त तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर आला कत्ल, 1 संबल लोहा मैं बैग के साथ पुलिस ने बरामद कर लिया। ये डालते उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस बड़ी खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। नवरी को कस्बा विंदकी में बड़ी ही एक लोमहर्षक घटना हुई थी। अमित गुप्ता नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी को हाथ पैर बांध दिया गया था, जैसा कि उनका कहना था। मृतक की माताजी की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें घटनास्थल पे जाने पे ही ये शक हो गया था कि इसमें कहीं न कहीं किसी परिजन का हाथ है और वो बात सत्य निकली। आपसी मनमुटाव था अवैध संबंधों को लेकर के अमित गुप्ता और इनकी पत्नी पूनम में। ये लोग इंटरकास्ट मैरिज भी किए थे, दोनों एक ही बिरादरी के नहीं हैं और पहले भी ये मामला विवाद में रहा है। काफ़ी पंचायतें भी हुई हैं, महिला अपने मायके अपने जीजा के यहाँ भी चली गई थी, फिर वापस आई थी। इन बातों को लेकर के आपस में मनमुटाव था। ये अपना फ्लैट एक इन्होंने मुंबई में बेच दिया था, इनके पास 3 फ्लैट और थे, उसको भी ये बेच करके यहाँ पे रहना चाहते थे अपनी माँ अपने परिजनों के साथ, जिसको पत्नी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। ये 5 दिन पहले, घटना के 5 दिन पहले आ गए थे, इनका मकान बन रहा था, पत्नी 5 दिन बाद आई हैं। इस 5 दिन में इन्होंने अपना सेटिंग किया। इनके जीजा है राम खिलावन थार थाना क्षेत्र में, उनका एक मित्र है अविनाश यादव, वो इस महिला के तथाकथित प्रेमी हैं और अपने जीजा के माध्यम से उससे परिचय हुआ। उसके खाते में इसने 85,000 रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र किया आने के पहले, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है। और उनको 7 लाख रुपये में ये दे दिया इसको कि इनका हत्या अगर की जाएगी तो 7 लाख रुपया हम आपको देंगे, और उसी के तहत ये 5 लोग उस दिन आए थे घटना में, जिसमें एक शेरा शेरा है, अभी छूट के जेल से आया है, गैंगस्टर का मुलजिम भी रहा है। इस पे 14 मुकदमे हैं कानपुर नगर से लेकर के फतेहपुर में, बहुत ही शातिर अपराधी है। केशव गुप्ता भी है, इस पे भी ढेर सारे केसेज हैं। और इसी तरह इनका एक साथी है अंशुल पासवान, मोहित, अविनाश तो है ही है, तो ये 3 पकड़े गए हैं, शेरा, केशव और अंशुल, बाकी 3 अभी हमारे वांटेड हैं। इनसे कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना हुई थी, औंग क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी थे, उनकी चोरी का भी लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा, LED ये सारा सामान बरामद हुआ है। ये शातिर गैंग है, इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार आपने देखा कि ये लोमहर्षक घटना, ये जो सनसनीखेज घटना हुई थी, ये रिश्तों को तार तार करने वाली घटना है। छोटी सी बात पे लेकर के अवैध संबंधों के शक में और अपने हस्बैंड की पैसा दे करके हत्या करा देना, ये बड़ी ही घृणित कार्य में आएगा ये। और हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।